आइए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। होप सो दैट कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आता है, इट डजंट मैटर कि आप हिंदी में करते हैं इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो आपको ये इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। तो खैर ऑनलाइन में जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसे आप कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट लिख करके पांच पांच का जो भी पेयर है वो आप इस तरीके से लिख लीजिए, जिससे कि आपको काउंट करते समय दिक्कत ना हो। खैर यहाँ आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये जो पांचों क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, पांचों क्वेश्चन आपके इस पर आधारित होते हैं, यानी कि 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन एक ही सीरीज पर आधारित है, इसलिए मैंने लिखा है क्वेश्चन 1 to 5। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो खैर सेकेंड क्वेश्चन जिसमें ये कहा जा रहा है स्पेसिफाई द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से भिन्न छांटिए। तो अगर आप देखें 1HJ IQ1 2U8 W8 ZNS पे ये 5 ऑप्शन है और इसमें से कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑड है ये बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या कर जाते हैं कि कई बार जल्दबाजी में वो जो आंसर लगा देते हैं वो 5 बार लगा के आ जाते हैं, कि उनका ये कॉन्सेप्ट रहता है कि सर किसी में सिंबल नहीं है और लास्ट वाले में सिंबल है तो यही ऑड है इसलिए यही आंसर होगा, जबकि आपको ऐसे नहीं करना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन सीरीज पर आधारित है तो इसका मतलब कि वॉट एवर द क्वेश्चन कम्स इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द गिवन सीरीज एंड यू हैव टू कंपेयर ईच एंड एवरी ऑप्शन विद द गिवन सीरीज। आपको हर ऑप्शन को सीरीज से कंपेयर करना है। तो आप यहां देखिए Q1HJ, आपको ये देखना है कि ये पांचों ऑप्शन में से एक ऐसा होगा जो सीरीज से मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो आप देखिए 1HJ, तो आप देख रहे हैं 1 के तुरंत बाद H है और उससे पहले 1 से पहले 2 छोड़ने पे J आया, यानी कि यहाँ पहले वाले एलिमेंट के तुरंत बाद वाला और पहले वाले से 2 छोड़ने पे J आया, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं IQ1, आप देखिए I के तुरंत बाद क्या है Q और I से 2 छोड़ा तो क्या आया 1 आया, सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। फिर आते हैं थर्ड पे 2U8, तो 2 के तुरंत बाद क्या आ रहा है U और पीछे 2 छोड़ा तो क्या आ रहा है 8, ठीक है। उसके बाद WA8, तो W के तुरंत बाद आप देखिए 2 आ रहा है और पीछे 2 छोड़ने पे B आ रहा है, यानी कि W2 भी आना चाहिए लॉजिक के अकॉर्डिंग, पर यहां WA8 दे रखा है, जबकि अगर आप देखें पांचवा तो Z के बाद N आ रहा है, पीछे 2 छोड़ने पे एस्ट्रिक आ रहा है, यानी कि ये चारों 1, 2, 3 और 5 ये चारों एक लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा चौथा वाला है W8 ये लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, और इसका मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका आंसर है 4, फोर्थ ऑप्शन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ये बताना पॉसिबल नहीं है कि यही लॉजिक आएगा। आपको करना किस तरीके से है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी लॉजिक दिया हो, जब एक बार आप कंपेयर करोगे, जब एक बार आप सबको फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा है और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा और वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो बताया जाए, लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या गलती नहीं करनी है हमको और इसमें से नहीं छांटना है, क्योंकि अगर ये सीरीज नहीं दी गई होती और ये पूछा जाता कि इनमें से और क्या है तब जाहिर सी बात है आपका आंसर होता 5th, ठीक है। बट चूंकि सीरीज दी गई है इसलिए आपको दिए गए ऑप्शन को कंपेयर करना है, और क्या करना है बता चुका हूं मैं, जो भी दिए गए ऑप्शन है उसको आपको सीरीज से कंपेयर करना है, कोई भी लॉजिक हो कोई भी सीक्वेंस हो आपको पता चल जाएगा कि एक ऑप्शन ऐसा है जो उस लॉजिक और सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल वो कैसा रखते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे उन्होंने 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया, अब ये बहुत ही सिंपल है, तो कई बार वो क्या करते हैं कि जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वैसे 2 क्वेश्चन दे देंगे और इस टाइप का क्वेश्चन हटा देंगे, या RRB वगैरह एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो 5ों क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं उनमें से 5 भी एक साथ आ सकते हैं या रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन आते वैसे ही हैं उसी तरीके से आएंगे, ठीक। आते हैं